ये मेरे फादर की ड्रेस है जी, ये मेरे फादर पहनते थे जी, मैं नहीं पहनता, मेरे को कस्टमर ने बनवाया ये आगे मटन जी, ना तो एक और है हमारा स्पेशल कीमे वाला। अच्छा जी, वो लगाया तो आपको खाने के लिए। ठीक है सर, ये है जी मटन, ये देखो मटन के पीसेस देखो भाई साहब। कस्टमर जब उनकी डेथ हुई तो कस्टमर को वजह कस्टमर रोए थे क्या बात। हेलो विवेक ऑर्थर बाइक में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका अपना हरिया और आज मैं हूं सदर बाजार में सरदार जी मीट वाले के पास। और भाई साहब इतने टाइम से मन था मेरा यहां पे खाने का, इतने ज़्यादा टाइम से, आज सरदार जी के यहां का खाना चखते हैं, सरदार जी से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब से लगा रहे हैं और क्या खास है इनका। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। सरदार जी सबसे पहले सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। अरे सर, थैंक यू सर। अपना नाम बता दीजिए प्लीज सर। लकी नाम है। लकी जी, तो लकी जी आपका जो नाम है पूरे इंडिया को मालूम है, मुझे बताइए कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? सर ये मेरे फादर साहब ने लगाया था जी, पहले वो चप्पल की लगाते थे, चप्पल की दुकान में काम करते थे। अच्छा जी। उसके बाद चप्पल की पट्टी लगाई उन्होंने फतेहपुरी में जी, काफी साल जी। उसके बाद कश्मीर चले गए, कश्मीर जाके यहाँ से कोट लेके कश्मीर बेचते थे, फेरी लगाते थे। उसके बाद यहाँ पे आके वहाँ पे दो बार तीन बार आग लग गई, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। अच्छा। यहाँ पे रुई मंडी में लगाया था जी। रुई मंडी में दे दिया किसी को, ऐसे ही चला चलाया काम। अच्छा, मीट यही चिकन मीट? नहीं नहीं, राजमा चावल पालक नहीं रहे, वो मामा को दे दिया मेरे। अच्छा जी। वो ऐसे ही गिफ्ट दे दिया उनको अपना, आप खाली ऐसे थे वो कि मामा काम करते थे जी, जी, सैलरी लेते थे जी। और उनको ऐसे दे दिया गिफ्ट दे दिया ऐसे, उनको ये बोला गया था कि पैसे लेंगे हर सारी उम्र जी, नहीं लिए लिया अगर। फिर उसके बाद साल बाद यहाँ लगाया, एक साल के बाद। अच्छा जी। 79 में यहाँ लगाया जी। और यहाँ पे नॉन वेज शुरू किया? हाँ जी। तो यहाँ पे अब क्या क्या लगाते हैं आप? मटन है, चिकन है, कीमा कलेजी है, राइस है, चपाती है जी। और ट्यूसडे को राजमा चावल पालक पनीर वही वाला। और ये आपके पापा की रेसिपी है सर? मेरे पापा की। वहाँ पे भी नॉन वेज लगाया था? अच्छा, लगाया वहाँ पे भी नॉन वेज था जी। जी जी, नॉन वेज लगाया था, नॉन वेज वहाँ पे जैनी थे, चला नहीं जी, थोड़ा बहुत अच्छा तो कह चलो कोई बात नहीं वेज लगा जी, वहाँ वेज कर दिया तो मामा को दे दिया, चला चलाया काम वहाँ से, कोई इससे ज़्यादा काम। और खाने का हुनर कैसे था सर? पता नहीं सर, गॉड गिफ्ट है, फैमिली फैमिली है। दादाजी की हलवाई शॉप थी पहले जी, हलवाई शॉप थी। एक ना आपका स्टाइल है, मतलब आप वाइट कपड़े पहन के यहाँ। ये मेरे फादर की ड्रेस है जी, ये मेरे फादर पहनते थे जी, मैं नहीं पहनता, मेरे को कस्टमर ने बनवाया। अच्छा, कैसे? कस्टमर एक दिन पहन के आया था मैं दो बार जी, कस्टमर बार बार टोकते रहे हाँ जी ये पहनो, डेली पहनो आप जी, आपके अंदर पापा जी हमारे नजर आते हैं, उन्होंने बनाया स्पेशल। वाह वाह, मैं नहीं पहनता था। तो ये बेसिकली उनका जो यूनिफॉर्म है वो आपके ऊपर आ गया? उनकी यूनिफॉर्म है, वाइट कुर्ता पजामा था, मैं तो जींस पहन के बैठा हूँ, वो तो वाइट कुर्ता पजामा पूरा, वाइट चप्पल, वाइट पगड़ी, टोटली वाइट होते थे। छींटे नहीं पड़ते आपके ऊपर? पड़ते सर जी, श्वेत, वो बिल्कुल श्वेत कहते, मेरे को श्वेत रंग पसंद है, उनको बहुत पसंद था। तंगड़ी रोटी सर? तंगड़ी रोटी, रोटी ला बेटा। तो लेग्स जो है वो आपने अलग से पका के रखी हुई है सर? इसके अंदर डाल देंगे तो हलवा हो जाएगा जी। जी 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 जी। ये ग्रेवी जो है वो पकती रहती है, नीचे जो धीमी आंच है वो चलती रहती है पूरा दिन? पूरा दिन सर, थोड़ी तेजी आ जाए, धीमी आंच नहीं है। अच्छा, आज आंच इतनी आहिस्ता नहीं है, है जी। सही जी जी। हाँ सर, आपको और कुछ दूं सर? ग्रेवी दूं कुछ? रोटी एक ही आपको? एक रोटी दे। सरदार जी आपने कब सीखा, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं कुछ नहीं सर, मैं तो अपना 9th क्लास में यहाँ पे आ गया था, 10th में प्रॉपर आ गया, पापा कहते मेरे बस का नहीं है। अच्छा, वो मेरे को क्या मालूम था कि वो 4-5 साल बस सिखा के चले जाएंगे, चले भी गए बाबा जी। 5 साल में आपको सिखा सर? 23 ईयर्स की उम्र थी मेरी, 22 ईयर्स की जी, तब वो चले गए थे। 2001 में एक्सपायर हो गए थे वो, पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बुखार चढ़ा, वो चले गए। पर लोग जो है वो बहुत प्यार करते हैं और उनके नाम से आते हैं आपके, उनका आशीर्वाद है। क्या बात, उन्हीं का आशीर्वाद खा रहा हूँ मैं आज। और सर ये दिखाइए थोड़ा, ग्रेवीज के बारे में बताइए। सुबह चालू रहता है काम जी, सब पकती रहती है सर, ये टोटली मटन कीमा ग्रेवी है। अरे वाह वाह वाह, मटन कीमा ग्रेवी है और पूरा दिन ये मतलब रोगन जो है ऊपर छाया रहता है इसके ऊपर। ये मटन है सर, ये है जी मटन, मटन के पीसेस है बढ़िया बढ़िया। और ये मतलब ये पका के आपने साइड में रखे हुए, क्योंकि यहाँ तो हलवा बन जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। ये भाई साहब आसाम से आए हैं और यहाँ पे आते रहते हैं, क्या नाम है सर आपका? मानिक दत्ता। मानिक दत्ता जी, क्या बात, क्या बात, ये आज से नहीं आ रहे जी, ये मेरे फादर साहब के टाइम से आ रहे हैं। चिकन चावल बहुत बढ़िया, मटन दो रोटी और एक पानी, कीमा कलेजी सर। ये है जी कीमा कलेजी। रोटी कितनी है सर?
दो रोटियां, कोल्ड ड्रिंक पानी कुछ। मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगी ना वो ये है कि यहाँ पे देखो कीमा, कलेजी, मटन, चिकन सब पका के रखा हुआ है, और ये जो कीमा ग्रेवी है ये पूरा दिन पकती रहती है। जो ठिया है जिस तरीके से ये सेटअप किया हुआ है, ये आपके पापा का ही है? ये मेरे पापा के सेटिंग, उन्होंने ऐसे सेटिंग उन्होंने की है, मैंने नहीं की। उन्होंने पहले साइकिल भी लगाया था सर। अच्छा, साइकिल में मीट बेचते थे वो। वाह वाह वाह, उतना तो काम अब है ही नहीं जो पहले होता था काम, अब तो खाली है। पर उनका एक नाम है, मतलब जैसे जो बिजनेसमैन कोई भी शहर से आते हैं ना, सर उनका एक नाम है, वो प्यार से खिलाते सबको। जी जी जी, सबसे चीज ये थी प्यार। क्या बात, क्या बात। कस्टमर जब उनकी डेथ हुई तो कस्टमर को बजा, कस्टमर रोए थे यहाँ पे। पर ये बहुत एक उन्होंने मेला सजा दिया यहाँ पे पक्का, कि जब तक कहते ना रहती दुनिया तक मेला रहेगा। क्या ये आशीर्वाद, उनका ही आशीर्वाद था। चपातियाँ रखी हुई, तवा रोटी, तवा रोटी, और अपने पास तवा रोटी रहती है और राइस रहते हैं, राइस है। और तंदूरी रोटी नहीं है? नहीं सर, ये घर वाला एकदम सेटअप है। लक्की बाजी, अपनी टाइमिंग्स बता दो प्लीज। सर 1 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक होते हैं। ठीक है जी, और एड्रेस क्या है अगर किसी को आना हो यहाँ पे? एड्रेस सर अपना कुतुब रोड चौक, नियर कुतुब रोड चौक, ये कुतुब रोड चौक है, साथ में अप्रीज होता है। पान मंडी सदर बाजार बोलते हैं इसको। ठीक है, पान मंडी का कॉर्नर है, नारायण मार्केट का कॉर्नर। और सर प्राइसेस बता दीजिए प्लीज। प्राइसेस सर मटन हाफ 250 का है, चिकन भी 250 का है, फुल लेग पीस, छोटा लेग जो है 160 का है। ठीक है, और रोटी 20 रुपये का 3 है। चावल के साथ लोगे मटन तब भी 250 का है, चिकन चावल लोगे 260 का है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। ये लग रही है जी मटन की प्लेट। सबसे पहले तो प्लेट के अंदर ये देखो बढ़िया से पीसेस आ जाएंगे मटन के। अरे वाह, ये आ गई जी कलेजी, ये है असली मज़ा। वाह, दिस इज द रियल थिंग। जो ग्रेवी है ना, इतनी बढ़िया ग्रेवी है, मज़ेदार है। और ये ऊपर से आ गया जी मसाला। सर ये कितने की प्लेट है? 250, 250। ये है जी 250 रुपीज़ की प्लेट, एंड इसके साथ अगर आपको रोटी लेनी है तो 260, तो 20 रुपये की 3 रुपये की 3 रोटी, और अगर राइस लेने तो 250, राइस लेने है 250। जी जी जी, ये है जी चिकन लेग पीस और थाई, और ये देखो आ गया जी ग्रेवी के अंदर डुबकी लगा के जूसेस जो है अच्छे से खींच लेगा। ये देखो भाई, वाह ओ वाह, ये जो स्टाइल है ये भी उन्हीं का था सर? हाँ जी, सरदार जी का, के ये मतलब फुल लेग का स्टाइल ही उनका है। वाह, ये है जी चिकन की प्लेट। ये कितने की प्लेट है सर? 250। ये 250 रुपीज़ की प्लेट है जी, साथ में आ गया मसाला, एंड इसमें भी वही सेम 20 रुपीज़ का 3 रोटियां, और राइस जो है वो 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो ये लग रही है जी हमारी प्लेट। सबसे पहले तो भाई साहब प्लेट के अंदर आ गए राइस, ये मसाला राइस है, और ये देखो वाह, ये आ गई जी ग्रेवी, और साथ में ये देखो चिकन का लेग पीस, और ये है जी राइस, और ये ऊपर से आ गई जी ग्रेवी, बहुत बढ़िया। ये रोगन आ गया जी, और ये आ गया जी मसाला। सर इसके साथ प्याज चटनी वगैरह भी रहती है? हाँ, बहुत बढ़िया। और दूसरी जो हमारी प्लेट है वो लग रही है जी मटन की। लो जी, ये आ गया जी मटन, ये आ मटन गया जी ना, एक और है हमारा स्पेशल कीमे वाला। अच्छा जी, वो लगाया तो आपको खाने के लिए। ठीक है सर, सरदार जी हमारे लिए स्पेशल कीमे वाला मटन जो है वो लगा रहे हैं। स्पेशल कीमे वाला जो है मटन ना, उसके अंदर ना कीमा एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। और ये सारी प्रेपरेशन जो है देसी घी में? नहीं सर, सरसों के तेल में। अरे वाह, ये है जी कीमा, ये देखो मटन कीमा, स्पेशल कीमा। वाह जी वाह, ये इसकी थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी होती होगी ना सर? कीमा सर हो रहा कीमा डाल देते ना अलग से, ग्रेवी सब सेम है। अच्छा, और ये आ गई जी ग्रेवी, ये एकदम थिक ग्रेवी होती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, एक तरह से राड़ा मटन बन गया जी। और ये आ गई तवा रोटियां साथ में, ये है जी आज का हमारा स्वाद बटांदरा। ये जो चिकन लेग पीस है ना भाई साहब, ये सरदार जी ने जो मशहूर कर रखा है ना पूरे दिल्ली में, लोग दूर दूर से आते हैं सदर बाजार में ये चिकन खाने हैं सर। ये देखो भाई मसाला जो है क्लाउड की तरह उड़ता, कोई बात नहीं, आदत है सर इसको भी और मुझे भी। तो ये है जी आज का हमारा स्वाद बटांदरा भाई साहब, सब तरफ फैला हुआ है, एंड हम ट्राई करते हैं सरदार जी का मीट और चिकन। आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वीडियो मैंने देखी थी प्री कोविड, और भाई उसके बाद कोविड हो गया, आ नहीं पाए। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई कांट वेट टू ट्राई दिस। सरसों के तेल में पका हुआ चिकन और मटन और कीमा और कलेजी और बहुत कुछ, तो अब ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। चिकन लेग पीस और साथ में है जी थाए, एंड ये पका हुआ है जी बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये देखो चिकन इज फॉल ऑफ द बोन वाला चिकन, मज़ेदार, मसालेदार, स्पाइसी। और ये है जी राइस, हम क्या करते हैं ना ये जो ग्रेवी है यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, ये लेते हैं जी राइस,
चिकन और राइस ये इकट्ठे हो गए। ये है जी एक बाइट, हिज बाइट। जो ऊपर वो मसाला डाला था ना भाई, इतना मज़ेदार। और जो कुकिंग में जो मसाला यूज़ किया हुआ, जो प्याज टमाटर को जिस तरीके से भुना गया है, वो भुनावट में इतना मज़ा है। चिकन का जो मीटी फ्लेवर होता है वो ग्रेवीज के अंदर इतने बढ़िया से आ रखा है, बहुत मज़ेदार है। सरदार जी के जो मसाले हैं और चिकन का जो मीटी फ्लेवर है वो आपस में मिल के घुल के पता नहीं क्या ही बना दिया उन्होंने, बहुत मज़ेदार है। चिकन राइस मसाला एंड साथ में चटनी प्याज, आपका लंच, आपका जो वीकडे वाला लंच है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली कवर्ड है, बहुत मज़ेदार। सदर बाज़ार आने का एक कारण सबसे बड़ा ये था कि सरदार जी मीट वाले जो है यहाँ पे विजिट करना था। मेरा जो विजिट है वो सफल है। अब आपको मटन ट्राई करके दिखाते हैं, आ जाओ। ये है जी मटन, ये देखो मटन के पीसेस देखो भाई साहब। मटन इज फॉल ऑफ द बोन यार, दोनों ही वैसे चिकन भी मटन भी फॉल ऑफ द बोन है। सरदार जी बोल रहे थे अगर जो ग्रेवी पूरा दिन धीमी आंच पे पकती रहती है अगर उसमें ये डाल देंगे तो इसका हलवा बन जाएगा भाई। देखो कितना प्यारा मटन है, ये देखो है। ओहो हो, मटन इज सुपर्ब। यहाँ से लेते हैं जी एक रोटी, तवा रोटी है जी घर की, ठीक है। एंड ये लेते हैं जी मटन, ये यहाँ से उठाया जी मटन। एंड ये हियर्स बाइट, हियर गोस। बहुत सटल है यार, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी मसालेदार होगा, कि बहुत सटल है, बहुत ही ज़्यादा इजी ऑन योर सिस्टम है, मज़ेदार है। वही प्याज टमाटर की जो बनाई हुई है मज़ेदार वाली है, हरी मिर्ची का स्वाद आ रहा है, बहुत बहुत प्यारा है। जो सरसों का तेल है आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग। काफ़ी जगह ऐसी होती है जो हाइप कर रखी होती है बट अच्छी नहीं होती, यहाँ पर हाइप भी है पर जो फ्लेवर है वो वर्थ द हाइप है। आपने अगर सरदार जी मीट वालों के पास आके खाया है तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, और अगर आपने नहीं खाया तो भाई साहब कमेंट करके ये बताओ कि आप कब आ रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें साड़ियाँ यारियाँ, जौदा आजादे वाजदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे 100 रुपये में 15 पीसेज ऑफ चिकन बिक रहे हैं तो ये है जी वो वीडियो।